गिबत जिना से बदतर है। एक औरत आई एक मदरसा में और शेख साहब से पूछने लगी कि शेख साहब, मैं एक सवाल पूछने का इरादा रखती हूँ लेकिन हया के सबब कह नहीं सकती। तो शेख साहब ने कहा कि हया ना करो, कह दो, पूछ लो सवाल। तो उस औरत ने कहा कि मुझसे एक गुनाह सादर हुआ है कि मैंने जिना किया है, फिर मैं उससे हमला हो गई, फिर उससे जो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसे कत्ल भी कर डाला। तो जो हाजरीन बैठे थे उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया। तो शेख साहब बोले कि यार लोगों, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि इसने ये गुनाह किया है? क्या तुम्हें पता है कि गीबत इससे ज़्यादा बदतर है? क्योंकि जिना करने वाला बंदा जब भी जिना करके अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देगा। जब वो सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर माफ़ करेगा। लेकिन गीबत करने वाला बंदे को अल्लाह पाक तब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक उसने जिसकी गीबत की है वो उसे माफ़ ना करे। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना मुहासबा करें सारे मेरे समेत के हम दिन में कितनी बार गीबत करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह पाक हमें गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।